तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है लैक्रिमल एपरेटस। और ये जो लैक्रिमल एपरेटस जो है ना, इसके ऊपर क्या होता है, यूनिवर्सिटी में अलग से वो आपका एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे देता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लैक्रिमल एपरेटस। तो आज अपन इस पूरे लैक्रिमल एपरेटस को अच्छे से डिटेल में देखेंगे और फिर ये भी बताऊंगा वीडियो के एंड में कि किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। तो आप मेरी पूरी वीडियो देखना बिल्कुल एंड तक। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें एक्चुअली में लैक्रिमल एपरेटस में क्या होता है, किस तरीके से जो अपना जो लैक्रिमल ग्लैंड है ये मेनली अपना सीक्रेट करता है लैक्रिमल फ्लूड, अपना टीयर फ्लूड। तो किस तरीके से लैक्रिमल ग्लैंड अपना लैक्रिमल फ्लूड सीक्रेट करता है और अल्टीमेटली जो सारा लैक्रिमल फ्लूड होता है ना वो आपका ना ड्रेन हो जाता है नोज में। तो किस तरीके से वो सारा लैक्रिमल ग्लैंड कौन सी डक्ट के थ्रू अपना नोज के अंदर ड्रेन होता है, तो ये पूरा का पूरा अपन जो है इस लैक्रिमल एपरेटस में पढ़ेंगे। तो अब आप बोलोगे सर ये जो टीयर जो रहता है अपना जो लैक्रिमल फ्लूड है वो अपना डायरेक्ट लोअर आईलिड से जो है अपना डाउनवर्ड फ्लो हो जाता है। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक्चुअली में क्या रहता है, जो अपना जो टीयर फ्लूड जो है, जो लैक्रिमल फ्लूड है वो अपना कंटिन्यूसली सिक्रेट होता रहता है। जो लैक्रिमल ग्लैंड है ना वो अपना कंटिन्यूसली टीयर फ्लूड सिक्रेट करता है। देन वो टीयर फ्लूड इंडक्स के थ्रू जो है यहाँ पे एक्चुअली में इसको अपन कहते हैं नेजो नैक्रिमल डक्ट। तो नेजो नैक्रिमल डक्ट में आ जाता है, देन यहाँ से होते ये जो है अपना नोज में अल्टीमेटली ड्रेन कर देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपन को मेनली आइस को जो है मॉइस्ट रखना रहता है, इसलिए कंटिन्यूसली लैक्रिमल ग्लैंड जो है बहुत कम क्वांटिटी में लैक्रिमल फ्लूड जो है सिक्रेट करता है। लेकिन जब अपन इमोशनल हो जाते हैं तब अपना लैक्रिमल फ्लूड एक्सेस में निकलने लगता है। तब क्या होता है, फिर वो सारा लैक्रिमल फ्लूड जो है वो अपने लोअर आईलिड से बाहर आके अपने आंसू के रूप में निकलने लगता है। और फिर अगर आप देखते हो तो कभी कभी जब अपन रोते हैं तो अपने नाक से भी पानी निकलता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सारा लैक्रिमल जो अपना फ्लूड है वो अपना नोज में जाके ड्रेन होता है, इसलिए जब अपन रोते हैं तो अपने नाक से भी फिर पानी निकलने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब अपन रोते हैं तभी लैक्रिमल फ्लूड अपना सीक्रेट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेनली क्या होता है, इसमें तुम्हारा मिसकंसेप्शन रहता है, लैक्रिमल फ्लूड कंटिन्यूसली सीक्रेट होता है। तो अगर अब तुम यहाँ डिटेल में देखो तो मैं आपको बताता हूँ पूरा जो लैक्रिमल एपरेटस है ना वो किस किस से बनता है। अब यहाँ पे एपरेटस में पूरा ये आ रहा है जितनी भी अपनी डक्ट वगैरह है या ग्लैंड है, मतलब पूरा जो लैक्रिमल फ्लूड है उसको ड्रेन करवाने में वो किस किस से बन रहा है, उसी को अपन ने बोला है पूरा एपरेटस। तो मैं आपको बताऊँ मेनली आपको वैसे सीक्वेंस में सारे याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले क्या होगा, ये अपना है लैक्रिमल ग्लैंड, और जो लैक्रिमल ग्लैंड है ना वो एक्चुअली में अपना सिचुएटेड होता है लैक्रिमल फोसा में। मैं आपको उसको क्या कहूँगा 3D में दिखाता हूँ लैक्रिमल फोसा, तो आपको अच्छे से इमेजिन होगा। तो अब आप यहाँ पे मेरे फोन में देखिए तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, इसको अपन क्या कहते हैं जिसके अंदर आई सिचुएटेड है, ये अपना पूरा है बोनी ऑर्बिट, ठीक है। देन इस बोनी ऑर्बिट के इंटीरियर लेटरल में, एक्चुअली में मीडियल में नोज है तो ये है लेटरल साइड। अगर आप इस इंटीरियर लेटरल में इस बोनी ऑर्बिट के अंदर देखो तो आपका प्रेजेंट होता है लैक्रिमल फोसा, और उस लैक्रिमल फोसा में अपना ये प्रेजेंट है लैक्रिमल ग्लैंड, या वो क्लियरली दिख पा रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से जो है लैक्रिमल ग्लैंड लैक्रिमल फोसा के अंदर सिचुएटेड रहता है। ये एक्चुअली में आपको क्या 3D में इमेजिन ही करना पड़ेगा। और यार मेनली मेरी जो टीचिंग मेथड है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3D में ही चीज़ें बताता हूँ, और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी पढ़ो ना तो इस तरीके से सारे 3D मॉडल को साथ में रख के पढ़ा करो, तो क्या होगा ऐसे तुम्हें इमेजिन अच्छे तरीके से होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो अपना लैक्रिमल फोसा के अंदर सिचुएटेड है, और उसके अंदर क्या होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं एक्चुअली। मुझे अपना लैक्रिमल ग्लैंड है ना वो एक्चुअली में दो पार्ट से मिलके बनता है। इसका एक होता है अपर एंड बिगर पार्ट, उसे अपन कहते हैं ऑर्बिटल पार्ट, क्योंकि ये मेनली जो है वो अपना बोनी ऑर्बिट में रहता है। देन नीचे वाला एक स्मॉल पार्ट, उसे अपन बोलते हैं पल्परेबल पार्ट। अब पल्परेबल का मीनिंग होता है एनीथिंग रिलेटेड टू आईलिड, तो एक्चुअली में क्या होता है ये अपर आईलिड है उसके पास में प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम है पल्परेबल पार्ट ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड। और इन दोनों ग्लैंड के बीच में एक मसल की टेंडन प्रेजेंट रहती है, यह है अपना लेवेटर पाल्पेबर सुपीरियालिस, मतलब कि जो अपर आईलिड की ही एक मसल है वो क्या करती है, उसका टेंडन जो है इन दोनों पार्ट के बीच में कुछ इस तरीके से सिचुएटेड रहता है। तो आपको क्लियरली लैक्रिमल ग्लैंड अच्छे से होकर दिख गया होगा। देन इस लैक्रिमल ग्लैंड से क्या होता है 15 से 12 जो है लैक्रिमल डक्ट, ये जो अपर आईलिड है ना उसमें पियर्स करती हैं, ये आपको दिख भी रहा होगा। और ये सारी की सारी जो जितनी भी अपने लैक्रिमल डक्ट जो हैं वो फिर अपनी ओपन होती हैं कंजक्टिवल सैक में। अब आप बोलोगे कंजक्टिवा क्या है,
तो यार इतना बेसिक नॉलेज तो अपन को रहता ही है, लेकिन मैं फिर भी आपको डिटेल में बताता हूँ। एक्चुअली मैं इस आईलेड के अंदर जो अपनी आईज प्रेजेंट है ना, उसको एक टिश्यू कवर करता है, एक थिन मेम्ब्रेन उसको कवर करती है, उसी को अपन बोलते हैं कंजक्टिवा। तो मैं आपको इसका भी क्या, मेरे फ़ोन में एक डायग्राम है उससे आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो अब आप देखो यहाँ पे मेरे इस डायग्राम में, अब अगर आप देखो इस आई को अपन का इस सेक्शन में कट कर रहे हैं, मतलब बीच में से, तब अपन को ये वाला डायग्राम मिलेगा। तो ये पूरी अपनी है आईज और ये है इसकी आईलेट्स। तो क्या होता है, इस आईलेट के अंदर जो अपना आई का जो पार्ट है ना, उसको एक थिन मेम्ब्रेन कवर करती है। यहाँ पे वो रेड से शो करी है, आपको दिख भी रहा होगा, उसी को अपन बोलते हैं कंजक्टिवा। अब यार होता क्या है, अब क्या होता है, अब एक कंजक्टिवा का वो वाला पार्ट जो कि अपने आईबॉल को जस्ट फ्रंट से कवर कर रहा है, मतलब दिख पा रहा होगा ये वाला पार्ट, इसको अपन बोलते हैं बल्बर कंजक्टिवा। फिर आगे जाके जो है अपनी आईलेट को कवर कर रही है, तब अपन इसको बोलेंगे पल्परेबल कंजक्टिवा। अगर आप यहाँ पर और जूम करूँ तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, ये आईबॉल के जस्ट फ्रंट में जो कंजक्टिवा है उसे अपन बोलते हैं बल्बर कंजक्टिवा, और जो आईलिड के जो टिश्यू पे जो कंजक्टिवा है उसे अपन बोलेंगे पल्परेबल कंजक्टिवा। पल्परेबल का तो मतलब ही होता है एनीथिंग रिलेटेड टू आईलिड। तो इन दोनों कंजक्टिवा के बीच में ये जो आपको स्पेस दिख रही है ना, उसी को अपन बोलते हैं कंजक्टिवल सैक। ये आपको दिख भी रहा होगा ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में छोटी सी स्पेस। तो क्या होता है, सारी की सारी ये लैक्रिमल डक्ट अपने अपर आईलिड में पेयर्स करती है और अपनी ओपन हो जाती है कंजक्टिवल सैक में। अब क्या होगा, अब यहाँ से जो है अपना लैक्रिमल ग्लैंड लैक्रिमल फ्लूड जो है अपना सीक्रेट कर रहा है, देन वो इन डक्ट्स के थ्रू जो है लैक्रिमल सैक, देन वो डक्ट्स के थ्रू जो है कंजक्टिवल सैक में आ गया। फिर अपन पीरियोडिकली अपन जो है अपने आईज को ब्लिंक करते हैं, तो इस ब्लिंकिंग के कारण क्या होता है, जो सारा लैक्रिमल फ्लूड जो है ना वो अच्छे से अपनी पूरी आईज में जो है सेपरेट हो जाता है। देन फिर क्या रहता है, ये नोज के साइड अपने दोनों आईलिड्स में स्मॉल ओपनिंग होती हैं, इन ओपनिंग को अपन बोलते हैं पंक्टम। या अच्छे से याद कर लेना कि अपने नोज वाले साइड में इन दोनों आईलिड के अंदर स्मॉल ओपनिंग होती है, उसे अपन बोलते हैं लैक्रिमल पंक्टम। देन उन ओपनिंग के थ्रू ये आगे अपनी कंटिन्यू हो जाती है लैक्रिमल कैनाल में। एक्चुअली में यहाँ पे कैनाल प्रेजेंट रहती है, उसे अपन बोलते हैं लैक्रिमल कैनाल। देन ये लैक्रिमल कैनाल अल्टीमेटली अपना ओपन हो जाती है एक लैक्रिमल सैक में, ये आपको दिख भी पा रहा होगा क्लियरली। तो क्या होता है, ये सारी के सारा जो अपना जो टीयर फ्लूड है ना, वो अपना इस पंक्टम के होते हुए अपना लैक्रिमल कैनाल में आ जाता है। देन ये सारा लैक्रिमल कैनाल में आएगा, फिर अपना इस लैक्रिमल सैक के अंदर वो आ जाता है। देन ये जो लैक्रिमल सैक है ना, वो अपना आगे जाके कंटिन्यू हो जाता है डक्ट में, जिसे अपन बोलने लगते हैं नेजो लैक्रिमल डक्ट। नेजो मतलब नोज और ये अपने लैक्रिमल की डक्ट है, इसलिए इसका नाम है नेजो लैक्रिमल डक्ट। देन ये नेजो लैक्रिमल डक्ट अल्टीमेटली अपना ओपन हो जाएगी नोज में, और नोज में भी कहाँ होगी, अगर अपन डिटेल में देखें तो ये इन्फीरियर मियाटस ऑफ नोज में ओपनिंग होगी। अब आप बोलोगे मियाटस क्या होता है सर, तो यार मियाटस का मतलब होता है पैसेज। तो इसके लिए मैं क्या तुम्हें करता हूँ, ये जो नोज है ना इसको इस सेक्शन में कट करके दिखाता हूँ, तो आपको कुछ ये वाला डायग्राम देखने को मिलेगा। तो ये अपने पूरे नोज को अपन लेटरल व्यू में देख रहे हैं, और यार इसको अपन बोलते हैं लेटरल सेक्शन ऑफ नोज, और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये भी हेड एंड नेक का ही पार्ट है। इसके अंदर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, लेकिन अभी आप यहाँ पे बस सुन लो। एक्चुअली में जो लेटरल वॉल ऑफ नोज है ना, उसमें आपकी थ्री बोनी एलिवेशन रहते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। देन इन बोनी एलिवेशन के नीचे आपका रहता है पैसेज। अब सबसे नीचे एक इन्फीरियर में है, तो इसे अपन बोलेंगे इन्फीरियर मियाटस। तो इसी इन्फीरियर मियाटस में अपनी ओपनिंग होती है, ये आपको दिख भी रही होगी नेजो लैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग। तो इसी को अपन बोलते हैं इन्फीरियर मियाटस ऑफ नोज। और यार मैं तुम्हें हर चीज़ डिटेल में बताता हूँ, चाहे मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाए या ज़्यादा डायग्राम दिखाना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली अगर तुम मेरी वीडियो देखते हो ना, तो तुम्हारे सारे कंसेप्ट मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। इसलिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे साथ अच्छे से बने रहो, अपन पूरी एनाटॉमी देखेंगे। हेड एंड नेक के बाद अपना लास्ट टॉपिक बचा होगा न्यूरोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, देन वो अपन ख़त्म करके अपन जो है फिर क्लिनिकल एनाटॉमी पे आएंगे।
तो मैं आपको ये बता रहा था, तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया किस तरीके से लैक्रिमल फ्लूड जो है फ्लो होता है। पहले अपना लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रेट करेगा, देन डक्ट के थ्रू वो आ जाता है कंजक्टिवा में, देन कंजक्टिवा से होते हुए वो अपना लैक्रिमल कैनालिकुलस में जाएगा लैक्रिमल पंक्टम के थ्रू, देन वो लैक्रिमल सैक में आ जाता है, देन लैक्रिमल सैक के होते हुए ये नेजो लैक्रिमल डक्ट के अंदर जो है आ जाता है। तो इस तरीके से अपना जो है लैक्रिमल फ्लूड जो है फ्लो करता है। अब आपको मैं क्या मेरे नोट्स में अच्छे से डिटेल में दिखाता हूँ। तो यार बेसिक तो मैंने बता ही दिया था कि जो लैक्रिमल अपरेटस जो है वो इन पांच चीज़ों से बनता है, लैक्रिमल ग्लैंड और उसकी डक्ट, कंजक्टिवल सैक, लैक्रिमल पंक्टम एंड कैनालिकुली, लैक्रिमल सैक और नेजो लैक्रिमल डक्ट। अब अपन इन सबको फर्दर और डिटेल में देखते हैं इनके अंदर क्या है। तो सबसे पहले अगर अपन ले लैक्रिमल ग्लैंड, तो अपना ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है ना वो अपना एक होता है सीरस ग्लैंड, मतलब वो मेनली सीरस फ्लूड सीक्रेट करेगा। अपन को पता है तो सीरस फ्लूड वो कैसा रहता है, वो मेनली अपना रहता है वाटर और उसमें रहते हैं लार्जली प्रोटीन, तो ये अपना सीरस ग्लैंड होता है। फिर अपन को उसकी सिचुएशन अच्छे से याद होनी चाहिए, वो कहाँ सिचुएटेड है, वो अपना लैक्रिमल फोसा में सिचुएटेड है। मैंने आपको 3D मॉडल में भी दिखाया था, ये लैक्रिमल फोसा जो है वो एंटेरियोलेटरल रहता है अपना रूफ ऑफ बोनी ऑर्बिट में। देन ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है ना ये अपना जे शेप का एक ग्लैंड है, मैंने आपको बताया था इसके दो पार्ट्स हैं, एक बड़ा वाला ऑर्बिटल और नीचे वाला पल्परेबल पार्ट। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल और एक पल्परेबल पार्ट है, और इन दोनों पार्ट्स के बीच में एक अपनी टेंडन होती है लेवेटर पल्पेब्रा सुपीरियलिस मसल की। उसके अलावा ये लैक्रिमल ग्लैंड से डजन्स ऑफ डक्ट जो है वो पियर्स करती हैं कंजक्टिवा और अपर आईलिड में, और ओपनिंग अपनी हो जाएगी कंजक्टिवल सैक में। देन यार जो लैक्रिमल ग्लैंड की जो आर्टरी और नर्व है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम अच्छे से याद होना चाहिए। तो जो उसकी जो आर्टरी सप्लाई है ना वो अपनी लैक्रिमल ब्रांच ऑफ ऑप्थेलमिक आर्टरी सप्लाई करती है। अब ऑप्थेलमिक का मतलब ही होता है एनीथिंग रिलेटेड टू आई इज ऑप्थेलमिक। अब ऑप्थेलमिक जो आर्टरी है ना उसी से बहुत सारी अपनी ब्रांच निकलेंगी लैक्रिमल ब्रांच, वही अपनी लैक्रिमल ब्रांच जो है वो अपना लैक्रिमल ग्लैंड को मेनली जो है अपना ब्लड सप्लाई करती हैं। और यार उसका जो नर्व सप्लाई है ना उसके लिए मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बनाई है, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। वो एक्चुअली थोड़ा सेपरेट और लॉन्ग टॉपिक था तो मैंने अलग से बता दिया। तो उसका नर्व सप्लाई मेनली अभी तुम याद कर लो वो लैक्रिमल नर्व से होती है इसका मेनली नर्व सप्लाई। देन फिर अपन इसके फ्लो चार्ट में इसका फ्लो देखें किस तरीके से लैक्रिमल फ्लूड फ्लो होता है। तो पहले लैक्रिमल फ्लूड जो है वो सिक्रेट हुआ लैक्रिमल ग्लैंड से, फिर वो ओपन हुआ कंजक्टिवा सैक में, देन पीरियोडिकली जब अपन आई को ब्लिंक करते हैं देन वो पूरे में हो जाता है सेपरेट। ये क्या है एक्चुअली में अपन को अच्छे से याद होना चाहिए, तो फ्लो चार्ट का जो फॉर्म है ना वो अच्छे से अपन को याद होना चाहिए। देन फिर अपन देखते हैं कंजक्टिवल सैक को। तो यार कंजक्टिवल सैक में मैं आपको बता चुका हूँ ये जो कंजक्टिवा की जो लाइनिंग है जो कि डीप सरफेस ऑफ आईलिड पे होती है उसे अपन बोलते हैं पल्परेबल कंजक्टिवा, और जो आईबॉल के फ्रंट में है उसे अपन बोलेंगे पल्परेबल कंजक्टिवा, और दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे अपन बोलेंगे कंजक्टिवल सैक। देन फिर अपन आ जाते हैं लैक्रिमल कैनालिकुलस पे। तो अपन को पता है ये जो ईच लैक्रिमल कैनालिकुलस जो है वो अपनी बिगेन होती है लैक्रिमल पंक्टम पे, और वो 10 mm लॉन्ग अपनी होती है। उसके अलावा जो लैक्रिमल कैनालिकुलस जो है वो अपनी ओपन होगी लेटरल वॉल ऑफ लैक्रिमल सैक में। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अपना पूरा लैक्रिमल सैक है और उसका ये है लेटरल वॉल, तो इस लेटरल वॉल में वो ओपन हो रही है, ठीक है। देन उसके अलावा बिहाइंड मीडियल पल्परेबल लिगामेंट, एक्चुअली में जो पूरा लैक्रिमल सैक है ना तुम अच्छे से याद कर लेना वो कहाँ होता है, वो अपना होता है बिहाइंड मीडियल पल्परेबल लिगामेंट। एक्चुअली में जो है इधर एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है उसे अपन बोलते हैं मीडियल पल्परेबल लिगामेंट, उस लिगामेंट के पीछे अपना पूरा ये लैक्रिमल सैक और लैक्रिमल कैनालिकुली जो है वो प्रेजेंट होता है, ये अच्छे से तुम याद कर लेना आपका सिचुएशन। देन अपन लैक्रिमल सैक देखें तो ये अपना एक मेम्ब्रेनस सैक है जो कि 12 mm लॉन्ग होता है एंड 5 mm इसकी वेट होती है। उसके अलावा ये कहाँ सिचुएटेड है, ये अपना लैक्रिमल ग्रूव में सिचुएटेड होता है बिहाइंड मीडियल पल्परेबल लिगामेंट,
ये मैंने आपको बोला भी याद करने के लिए पॉइंट, ये एक्चुअली में क्या कीवर्ड पॉइंट है। जब यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आएगा तो आपको पॉइंट एज इट इज लिख के आना पड़ेगा। देन फिर अपन देखें तो लोअर एंड जो है ना इसका, वो अपना कंटिन्यू हो जाता है नेजोनैक्रिमल डक्ट में। अगर तुम देखो ये अपना लैक्रिमल सैक है, इसका अपर एंड तो अपना क्लोज है, लेकिन इसका लोअर एंड जो है वो नेजोलैक्रिमल डक्ट में अपना कंटिन्यू होता है। उसके अलावा अपन आएंगे लास्ट पार्ट में जो है अपना नेजोलैक्रिमल डक्ट। तो ये नेजोलैक्रिमल डक्ट भी अपना एक मेम्ब्रेनस पैसेज है जो कि 18 mm लॉन्ग है। तो यार जितना भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना मेरे नोट्स में, ये बिल्कुल सफिशेंट अमाउंट है। मतलब बिल्कुल इसमें फालतू में क्वांटिटी मैंने नहीं लिखा है। जो मेन मेन जो लाइंस होती हैं, जो मेन कीवर्ड लाइन है, सिर्फ वही वही बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट में प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। उसके अलावा फिर अगर अपन देखें, ये जो लेजोनैक्रिमल डक्ट जो है ना, वो अपना बिगेन होगा एट लोअर एंड ऑफ लैक्रिमल सैक और फिर रन करता है डाउनवर्ड बैकवर्ड और ओपन होगा अपना इंफीरियर मियाटस ऑफ नोज में। डायग्राम में भी क्लियर है कि लैक्रिमल सैक है और नेजोलैक्रिमल डक्ट उसी का कंटिन्यूएशन है। यानी अल्टीमेटली अपना ओपन हो गया इंफीरियर मियाटस ऑफ नोज में। तो यार अब मैं आपको क्या मेरे नोट्स के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ। और यार अगर क्वालिटी इसमें अच्छी नहीं आई तो आप मैंने इंस्टाग्राम पे जाओ, मैं वहाँ पे आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से क्या आप सारे मेरे नोट्स ले लो। मैं क्या HD में सारे नोट्स इंस्टा पे अपलोड करता हूँ, क्योंकि तो यार कभी यूनिवर्सिटी में आ जाए ना तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ अपर लिम लोअर लिम में भी अपन कैसे लिखते हैं। मेनली आपको हेडिंग्स में लिखना है और आपको लिखना है पॉइंट्स में। आप पैराग्राफ में ना लिखो, आप जितना पॉइंट्स में लिखोगे उतने ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। तो आप इस तरीके से लिखना, जितने मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना सफिशेंट अमाउंट है, इतना आप लिखो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। पहले आप लैक्रिमल एपरेटस की हेडिंग डालोगे, देन आप कंपोनेंट की हेडिंग डालना, देन इसके सारे पॉइंट लिखूंगा, देन हर इसको जो है सेपरेटली आपको क्या समझाना पड़ेगा डिटेल में, देन सबको आप डिटेल में जो है अच्छे से समझा के लिख देना। देन फिर आप ये एक डायग्राम भी बनाओगे इसके अंदर, लेकिन तुम क्लिनिकल भी लिख के आना, क्योंकि मेरे लिए एग्जामिनर उसको देख के और अच्छे से इम्प्रेस हो जाता है। और अगर तुम्हारी मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को तुम करो लाइक और मेरे चैनल के साथ तुम बने रहो, अपन सारे टॉपिक अपलोड करेंगे।